और जहाँ रहते हैं नवाब, जहाँ शेरो शायरी करके लोग जीतते हैं एक दूसरे का दिल, और ये लड़का पहन कर आ रहा है हाई हील। हाई हील? Can Jill went top the hill? He's wearing high heel. How is it possible? अरे कृष्णा पॉसिबल, क्योंकि इंडिया बनेगा मंच में कुछ भी हो सकता है। आ रहे हैं लखनऊ से संदीप गुप्ता। इसकी हील्स बहुत हाई है। Our first dance diwane of the day is hamare dance diwane ko bulaiye dekho 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 andaaz hai sultan dekho 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 andaaz hai sultan dekho 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 andaaz hai sultan dekho 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 andaaz hai please acha before you remove your heels okay heels mein kaise dance karna hai I want to train with you oh means a lot man chahte hain वैसे एक बात सच्ची बोलूं दिल से बोलू। मैं आपका इस्तेमाल करने के लिए मरता हूं मैम सच्ची में असली इस्तेमाल जिन कंटेस्टेंट को हम रिवाइंड देते हैं उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए अपने आप को बेटर करना चाहिए और वो बोलते हैं कि जख्मी शेर होता है वो बहुत खतरनाक होता है तो ये बिल्कुल वैसे ही था आपने वो चीजें की हील्स में जो विदाउट हील्स भी बहुत सारे डांसर नहीं करते बैक फ्लिप मारा उन्होंने फ्रंट सॉल्ट मारा उन्होंने स्प्लिट किया उन्होंने बैक आज करके हाफ टच किया फैंटास्टिक और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अगर उसमें ट्रेनिंग लेनी है तो मैं आपसे लूंगी वो ट्रेनिंग हील में कैसे डांस करना तो अगर कोई आपसे कुछ कहे आपके हील के बारे में तो बोलना पता है माधुरी दीक्षित मेरे से सीखी है हील अगर आप इसी जुनून से डांस करते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ हफ्तों में लखनऊ के टुंडे कबाब तो फेमस हैं ही लखनऊ का संदीप गुप्ता उससे ज्यादा फेमस होने का थैंक यू सो मच सर हाइल पे जब नचता है तो बहुत सॉलिड जचता है पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का दोस्त लखनऊ का संदीप गुप्ता तो संदीप जी हम आपके पूरे परिचय के साथ में जानेंगे और आज आपकी एकेडमी में आए हैं स्पेशली हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि आपने ये जो अपना डांस का जुनून है कब से शुरुआत की और सफ़र कहाँ तक रहा और आगे की क्या प्लानिंग है जी पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा हमारे तरफ से और जैसे कि मेरी जो जर्नी रही है वो आज से 10 से 12 साल पहले मैंने अपनी डांस की जर्नी की शुरुआत करी थी यही करीबन 2009-2010 के हिसाब से और जब मैंने डांस शुरू किया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी डांस के बारे में कि कहाँ कैसे क्या करना है और कहाँ सीखना है लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था एक जज्बा था कि मुझे अगर डांस करना है तो फिर कहीं से भी शुरुआत करना है चाहे वो नीचे से चाहे ऊपर से चाहे कहीं से हो तो मैंने उस चीज़ की शुरुआत करी उसको मैंने खोजा और मैंने डांस अपने ही शहर लखनऊ में किया जैसे कि मैं लखनऊ का एक निवासी हूँ मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मुझे इतना नॉलेज पहले नहीं था लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे डांस सीखा एक साल दो साल तीन साल उसके बाद लखनऊ में मुझे कई सारी चीज़ें ऐसे मालूम चलने लगी कि अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें शायद नहीं मिल पाएंगी तो मैंने डिसाइड किया उस एक तरीके से हम आपको बीच में रोक के बात करेंगे कि जो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता थी ज़रूरत थी जिस नेम की फेम की और जो एज ए ट्रेनिंग की वो चीज़ें आपको शहर लखनऊ में नहीं मिल रही थी फिर उसके आगे का आपका क्या रहा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने मेरे डांस सीखा डांस पूरा अच्छे से सीखा मुझे नॉलेज मिला मेरे टीचर्स भी यहाँ पर मिले मुझे लेकिन जो मुझे नाम और एक इमेज चाहिए थी कि जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ा डांसर बनना है और ना कि लखनऊ में पूरी इंडिया मुझे अपना नाम दिखाना है और मुझे अपने आप को फेमस करना था तो उस हिसाब से मैं बाहर निकला मैं बाहर गया दिल्ली मुंबई मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग करी डिप्लोमा कोर्स किया डांस में मैंने बड़े बड़े डांस सेंटर्स में मैंने सीखा है उसके बाद जब मुझे एक मौका मिला कि आपको टीवी पे आने का मौका मिल रहा है आपको ऑडिशन देना चाहिए मुझे किसी ने बताया तो मुझे बहुत खुशी मिली कि अब यही मौका है
और मुझे अब इस मौके को गवाना नहीं है कभी, जो मैंने अब उस मौके को अपनाया और उस मौके पे चौका मारा। जैसे कि एक ऑडिशन था हमारे चैनल पे, जैसे कि बहुत नामी चैनल है कलर्स चैनल, उसमें मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मैंने वीडियो ऑडिशन दिया था और लकीली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और उस ऑडिशन से मेरा जिस तरह से नाम हुआ है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है और मैं सेलेक्ट हुआ, मैं काफ़ी आगे तक गया। जैसे कि मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंडिया गेट के सामने, उस शो का नाम था इंडिया बनेगा मंच। मेरा ये पहला रियलिटी शो था, मेरा ये मतलब पहला, मान के चलिए कि मैंने सिक्सर मारा था। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आने लगे बड़े बड़े शोज़ के, बड़े बड़े चैम्पियनशिप के, मैंने उस पर पार्टिसिपेट किया, इवन मैंने उसमें जज भी किया। फिर धीरे धीरे जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, और लखनऊ में मैंने जब सीखा था, जब सीखने के बाद जब मैं बाहर निकला लखनऊ से, तो मैं क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं प्राप्त थी, नहीं अवेलेबल थी। तो मैंने वो चीज़ फील करा और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे लखनऊ में वो सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, जागरूक करनी है, लानी है, बनानी है। जिस हिसाब से मैं अपने पास्ट में मैंने उस चीज़ की कमी महसूस करी थी, आने वाले कई सारे डांसर कलाकार उन बच्चों को वो फील ना हो, मैं अपने लखनऊ में वो चीज़ लाऊं और बनाऊं और प्राप्त करूं, और सारे उन बच्चों कलाकारों को जो फाइनेंशियली बहुत गरीब हैं, वीक हैं, और उनको बेसहारा लोग कहते हैं, उन सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैंने लखनऊ में वो चीज़ खोली जो कि मेरी डांस क्लास थी, संदीप गुप्ता डांस कंपनी। उसके बाद मैंने जब वो खोली तो मैंने पैसे की लालच पे नहीं कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे पैसा कमाना है। कई सारे ऐसे गरीब बच्चे थे, मैंने सोशल वर्क किया, मैंने कई सारे बच्चों को सिखाया, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, और उन बच्चों को कई सारे कॉम्पिटिशन भी दिलाए। तो मुझे वो महसूस होने लगा कि हाँ, जो मैंने डिसाइड किया था वो मैं पाने लगा हूँ, और मुझे अब यहीं पर ही ख़त्म नहीं करना है, मुझे इसको बहुत आगे तक ले जाना है। तो धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद और आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो मैंने फिर से एक सिक्सर फिर से दोबारा मारा और मैंने फिर से कलर चैनल पे कम बैक किया, जिस शो का नाम था डांस दीवाने। सीजन वन में मैंने काफ़ी नाम कमाया वहाँ पर, और मैं ऑडिशन तक ही नहीं गया, मैं फाइनलिस्ट बना और मैं डांस दीवाने कलर्स चैनल पे सीजन वन में फाइनलिस्ट बतौर कंटेस्टेंट वहाँ पर मैंने चीज़ें कमाई और काफ़ी नाम हुआ। जैसे कि बड़े बड़े हस्ती सलमान खान, अनिल कपूर ने काफ़ी सराहना दिया, और बल्कि मैंने उन सभी को ही नहीं, हमारी जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत मेरी आइडल रह चुकी हैं, मैं जिससे इंस्पायर होता था जी, माधुरी दीक्षित मैम जी, हाँ, मैंने उनको काफ़ी इंस्पायर किया जब मैंने अपना कला का प्रदर्शन किया कि मुझे हील पे डांस करना है। हाँ, वो आपका अपना जो है एक जोनल था वहाँ पे। जी जी जी, जोनल था। हाँ। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे डांस शोज पहले कर रखे थे, तो मैंने देखा कि कलाकार लोग करते हैं डांस, अच्छा है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे काफ़ी आगे तक टिकना है, जाना है, और अपने उन बच्चों को आगे तक साथ में ले जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा कि जो कोई ना करता हो। जी हाँ। मैं एक लड़का हो के लड़कियों का स्टाइल करने लगा, फिर लड़कियों का स्टाइल ऐसे कि जैसे मैंने हील्स मतलब सैंडल पहन के डांस किया। हाँ जी, देखा गया था, काफ़ी चर्चित भी रहा था। जी जी, तो मैंने उस पर ये डिसाइड किया कि मैं हील्स पे डांस करूँ और मैं मतलब आगे बढ़ूँ उसको लेके, और उस पर काफ़ी मुझे नाम भी मिला, काफ़ी लोगों ने टोका भी कि तुम हील्स पे डांस करते हो, लड़की हो क्या, लड़का हो क्या, ऐसा ऐसा बोलने लगे। तो मैंने उन नेगेटिव कमेंट्स को मतलब बिल्कुल भी मतलब फेस नहीं किया मैंने। हाँ, हाँ। जो मुझे सराहना दे रहे थे सिर्फ उनको मैंने देखा और अपने आप को मैंने और आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये मुझे आगे तक जरूर ले जाएगी। और कहते हैं ना कि मतलब जंग में और प्यार में मतलब कुछ भी मतलब जायज़ नहीं होता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए हील वो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे आगे तक बढ़ाएगी, ले जाएगी। और काफ़ी लोग ने बोला कि मतलब ये चीज़ छोड़ दो, मेरे घर वालों ने बोला निखिल नहीं, मैंने प्रूव किया जब मैं डांस दीवाने में गया तब मैंने हील पे डांस किया और माधुरी दीक्षित मैम खुद खड़ी होकर मेरे लिए तालियां बजा रही थी, और उन्होंने खुद बोला कि अगर मुझे हील्स पे डांस सीखना होगा तो आपसे वो सीखूंगी, और बतौर वो मतलब मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया और स्टेज पे आके मेरे साथ डांस भी किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट में हिस्सा दिलाया। जैसे कि टोटल धमाल मूवी आई थी,
उस मूवी में उनको मैंने असिस्ट भी किया था एज एन कोरियोग्राफर, उनको मैंने डांस भी सिखाया हील्स पे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे बीते हुए कल में, भूतकाल में, पास में मेरे सब लोग बोल रहे थे कि हील्स मत करो, लड़के हो, लड़कियों वाला स्टाइल कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिना हील्स के डांसर्स इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो, नहीं कर पाते। मैं वो हील्स पे डांस करता हूँ, ना कि डांस करता हूँ मैं एक्रोबैटिक, जिमनास्टिक और कंटेम्प्रेरी हिप हॉप, हर एक स्टाइल, वो स्टाइल जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, मैं फॉरेन कंट्री के स्टाइल्स को करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया में एक ऐसा लड़का है जो हील्स पे डांस करता है। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल हर एक घर में, हर एक डांसर्स के दिल में पहुँचे जाकर, और वो इसके लिए जागरूक हों कि ये सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं करती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी करना चाहो तो आपके अंदर वो जज्बा और डेडिकेशन, पैशन है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसी हिसाब से मैंने उस चीज़ को पाया और मैं फाइनलिस्ट बना डांस दीवाने में। फिर मैं अपने शहर में आया वापस, मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स मिले, प्रोजेक्ट मिले, काम मिला। फिर मैंने अपने कंपनी को और आगे बढ़ाया, मैंने अपने सारे बच्चों को अपनी खुद की डांस स्टाइल मैंने सिखाया, और मेरे आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हील्स पे करते हैं। मैंने अपने आप को भी प्राउड कराया, अपने लखनऊ को भी रिप्रेजेंट करके प्राउड कराया, अपने माँ बाप को भी प्राउड कराया। और आज मेरे सारे ऐसे एक बच्चे हैं जो वही सेम स्टाइल करते हैं, और वो खुद मतलब चाहते हैं कि मैं संदीप सर की तरह बनूं और उनकी ही तरह आगे बढ़ूं। और मैं बस यही चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो जागरूक नहीं हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उन तक वो सारी चीज़ें पहुँचें, वो नॉलेज मिले उन्हें। मेरी तरफ से मैं चाहूँगा कि उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी डांस सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि उनके दिमाग में, उनके मन में वो शक्ति, वो नॉलेज पहुँचे जो और कोई नहीं दे पा रहा है, वो मैं खुद देना चाहूँगा। संदीप जी, एक नाम आता है लखनऊ से, सीजा रॉय जी का, जी उनके जी बारे में क्या कहना चाहेंगे? शायद वो आप ही के साथ जी, हमारे साथ में ही थी वो, और वो बहुत अच्छी कलाकार हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी मेरी फ्रेंड भी रह चुकी हैं डांस दीवाने में, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि लखनऊ से सिर्फ एक डांसर नहीं गया, दो डांसर्स गए हैं, और वो लड़की हैं। और मैं मतलब इतना खुश हुआ जब मैंने देखा कि एक लड़की लखनऊ का नाम रोशन कर रही मेरे साथ साथ, लड़का ही नहीं लड़की भी आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वो वहाँ पर हमें मिली, काफ़ी बातचीत होती थी, हम लोग साथ में ही रहते थे, रिहर्सल साथ में करते थे। मैंने जब देखा कि वो क्लासिकल डांस स्टाइल करती हैं, तो उनकी तरह तो मैंने अभी तक कहीं देखा ही नहीं कि जिस तरह वो क्लासिकल डांस स्टाइल करती हैं। और काफ़ी एजुकेटेड है वो, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। बस कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास में होती हैं, तो उस हिसाब से जो है हमें उसको नेगेटिव में नहीं लेना है, हमें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो बहुत अच्छी डांसर है वो, और मैं चाहूँगा कि आगे भी मेरे साथ में जुड़ें, और आगे भी मेरे साथ काम करने का कुछ मौका मिले तो मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करना चाहूँगा।